अगर आपको एरो कीज चाहिए डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी, तो अगर आपको वो एरो कीज सिंगल हेयर लाइन पे चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल दो डैश आपको टाइप करना है और उसके बाद में ग्रेटर देन सिंबल दे देना है, तो आप देखेंगे जो एरो की है वो बन जाएगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो राइट साइड पे होगा। इसी तरह से अगर आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों पहले आपको क्या करना होगा, जो लेस देन सिंबल है उसको पहले लिखना है और उसके बाद में दो डैश आपको टाइप कर देना है। इसी तरह से अगर हेयर लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिमिलरली पहले दो इक्वल्स टू टाइप करना है और उसके बाद में ग्रेटर देन सिंबल दे देना है, तो एरो किस बन जाएगा 2 पॉइंट का। और उसी तरह से अगर लेफ्ट डायरेक्शन में चाहिए, तो पहले लेस देन दे देना है और उसके बाद में डबल इक्वल्स टू दे देना है। इसी तरह से अगर आपको दोनों साइड का डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, पहले आपको लेस देन सिंबल टाइप करना है और उसके बाद में इक्वल्स टू देना है और उसके बाद में ग्रेटर देन सिंबल टाइप कर देना है, तो आप देखेंगे दोनों साइड का एरो किस बन जाएगा। अब देखते हैं किस तरह से आप सिंगल पॉइंट करके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा कुछ टेक्स्ट और उसके बाद में देना है कंट्रोल देन क्लोजिंग थर्ड ब्रैकेट। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको प्रेस करना है कंट्रोल क्लोजिंग थर्ड ब्रैकेट और उसको प्रेस करते रहना है जब तक कि आपका एप्रोप्रिएट फॉन्ट साइज ना मिले। तो वो क्या करेगा, 1.1 पॉइंट करते हुए आपका फॉन्ट साइज जो है उसको इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर डिक्रीज करना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पकड़ के ओपनिंग थर्ड ब्रैकेट को प्रेस करना है और उसको तब तक दबाया रखना है जब तक आपको एप्रोप्रिएट फॉन्ट साइज नहीं मिलता है। इसी तरह से अगर आप 2 पॉइंट करके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद में ग्रेटर देन को प्रेस करना है और तब तक दबाए रखना है जब तक आपका एप्रोप्रिएट फॉन्ट साइज नहीं मिले। तो उसी तरह से अगर आपको डिक्रीज करना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट देन लेस देन प्रेस करना है। अब बात करते हैं जूम हैंडलर। जूम हैंडलर को आप किस तरह से कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से आप जूम हैंडलर को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, कंट्रोल को प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आप देखेंगे जूम आउट हो जाएगा और कंट्रोल पकड़ के स्क्रॉल आप करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। इस तरह से आप जूम हैंडलर को मैनेज कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं वर्ड बाय वर्ड। सो दोस्तों, डिलीट करने के लिए आप पहले नोटिस कीजिए कहाँ पे है आपका कर्सर। अगर कर्सर के पहले हिस्से का वर्ड जो है उसको डिलीट करना है वर्ड बाय वर्ड, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कर्सर जहाँ पे है उसका पहले जो भी कंटेंट है वो वर्ड बाय वर्ड डिलीट होता जाएगा। लेकिन अगर आपका कर्सर जहाँ पे है और उसका पीछे का कंटेंट सबको डिलीट करना है, तो आपको दोस्तों प्रेस करना है कंट्रोल देन डिलीट। कंट्रोल प्रेस करके जब आप डिलीट प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे पीछे का जो कंटेंट है वो वर्ड बाय वर्ड डिलीट होता जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको वर्ड टू वर्ड ज्वाइन करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, उस टेक्स्ट में अगर मान लीजिए यहाँ पे टूटन कंप्यूटर गाइड है, अभी टूटन कंप्यूटर गाइड जो है वो हमको एक ही साथ चाहिए, लेकिन बीच में अगर कोई टेक्स्ट आ जाता है या स्पेस हो जाता है, तो आप देखेंगे टूटन कंप्यूटर गाइड जो है वो सेपरेट सेपरेट होके एडजस्टमेंट हो रहा है पैराग्राफ में। लेकिन आप चाहते हैं कि टूटन कंप्यूटर गाइड जहां भी जाए वो एक साथ जाए, वो टेक्स्ट जो है वो एक साथ मूवमेंट करे, तो ये जो टेक्स्ट है उसको एक साथ लॉक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, पहले आपका जो वर्ड है, पहला जो वर्ड है उसको आपको लिखना है और उसके बाद में दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस देना है, तब जाके सेकेंड वर्ड को आपको टाइप करना है। और उसके बाद में फिर से अगर वर्ड चाहिए जो एक ही साथ लॉक में चाहिए आपको, तो उसके लिए फिर से वापस आपको कंट्रोल शिफ्ट स्पेस देना है और उसके बाद में थर्ड वर्ड लिखना है। सो दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है जब तक आपका वर्ड जो है वो कंप्लीट ना हो। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अगर कोई स्पेस भी आ जाता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्पेस आने से भी आपका जो वर्ड है वो एक ही साथ मूवमेंट करेगा, या तो कोई भी वर्ड या सेंटेंस आपके वर्ड के बीच में आ जाता है तो वो एक ही साथ ही मूवमेंट करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो वर्ड है उसको आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट यूज करने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं H2O का। तो यहाँ पे पहले आपको लिखना है H2O
और उसके बाद में दोस्तों अभी टू को सुपर स्क्रिप्ट करना है। तो पहले आपको क्या करना है, टू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स टू प्रेस करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं H2O जो है टू जो है वो सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है। इसी तरह से आप सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट नहीं चाहिए तो फिर से वापस उसको सिलेक्ट कर लीजिए और अगेन कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, वो नॉर्मल पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सबस्क्रिप्ट यूज करना है तो टू को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सिंपल कंट्रोल इक्वल्स टू प्रेस कीजिए तो आप यहाँ पे देखेंगे सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। और उसको फिर से नॉर्मल लाने के लिए आपको कंट्रोल इक्वल्स टू फिर से वापस प्रेस करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल पे आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आप कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं किस तरह से आपको हेयर लाइंस करना है। हेयर लाइंस के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप सिंगल पॉइंट हेयर लाइन चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल डैश का यूज कीजिए, दो तीन या चार आप डाल दीजिए, उसके बाद में सिंपल प्रेस कीजिए एंटर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल हेयर लाइन मतलब सिंगल पॉइंट का हेयर लाइन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा थिकनेस और मोटा तो आपको क्या करना है, शिफ्ट पकड़ के अंडरस्कोर सिंबल देना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अंडरस्कोर सिंबल भी वही तीन चार आप दे दीजिए और उसके बाद में एंटर प्रेस कर दीजिए तो थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाएगा। अगर आपको डबल लाइन चाहिए तो आपको इक्वल्स टू यूज करना है तीन या चार, उसके बाद में सिंपल एंटर प्रेस कर देने से आपका डबल लाइन आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको जो फॉर्मेट होता है लाइन का, वो फॉर्मेट अगर आपको चाहते हैं जैसे कि ऊपर में एक पतला सा रहेगा हेयर लाइन, उसके बाद में बीच में एक मोटा सा रहेगा, उसके बाद में फिर से वापस, तो इस तरह का अगर फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, शिफ्ट पकड़ के हैश सिंबल आपको देना है तीन या चार और सिंपल प्रेस करना है एंटर तो आप यहाँ पे देखेंगे वो फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको डॉटेड लाइन चाहिए मतलब डॉटेड लाइन अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको स्टार मतलब एस्ट्रिक सिंबल आपको प्रेस करना है तीन या चार और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देने से आपको डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप ओएवी लाइन मतलब कर्व लाइन अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना है टाइल्ड, तो टाइल्ड आपको मिल जाएगा कहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैब के ऊपर में टाइल्ड सिंबल है तो वो टाइल्ड सिंबल आप यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के दो या तीन आप देने के बाद एंटर प्रेस कर देने से आप यहाँ पे देखेंगे वो ओएवी लाइन मतलब वो कर्व लाइन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरह से आप हेयर लाइन यूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट पे लाइन को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह से आपको टेबल बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से आप पहले प्लस सिंबल दीजिएगा और उसके बाद में तीन या चार आप मतलब जितना गैप चाहिए सेल के बीच में उतना डैश आप यहाँ पे दे दीजिए और उसके बाद में अगेन आप यूज करेंगे प्लस और उसके बाद में जितना भी कलम आपको चाहिए तो इसी तरह से आपको बनाते जाना है प्लस और डैश प्लस और डैश। तो जितना भी सारा आपको कलम चाहिए उतना आप यहाँ पे ले सकते हैं और उसके बाद में सिंपल एंटर प्रेस कर देने से आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे थ्री कलम का यूज किया है, थ्री कलम यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में आप इस सिंपली टैब यूज करते हुए जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट सेल के बाद ही फिर से वो एक नया रो ले चुके हैं। तो इसी तरह से ऑटोमेटिकली टेबल यहाँ पे बन जाएगा। वर्टिकल सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि जब भी आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर वर्टिकल सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन आपका होगा। लेकिन अगर स्टेप पता नहीं है तो जब भी आप वर्टिकल सिलेक्शन करने जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से सिलेक्शन होगा जो कि हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन होता है नॉर्मली। तो अब चलते हैं वर्टिकल सिलेक्शन आपको किस तरह से करना है। तो दोस्तों वर्टिकल सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, प्रेस करना है ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करके आपको ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेना है जितना भी एरिया आप आते हैं और उसके बाद में ऑल्ट को छोड़ देना है और इस सिलेक्शन के ऊपर आप जो भी फॉर्मेटिंग चाहते हैं जैसे कलर फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर का तो कुछ इस तरह से आप फॉन्ट कलर देख सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप इटैलिक या अंडरलाइन भी यूज करना चाहते हैं मतलब फॉन्ट स्टाइल यूज करना चाहते हैं तो आप यू पे क्लिक करके आप अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं और आई पे क्लिक करके इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों आप हाईलाइट कलर भी यूज कर सकते हैं वर्टिकल सिलेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से आप एक स्टाइलिश पैराग्राफ बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। अब चलते
चलते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट। जैसे एमएस वर्ड का ये नया फीचर से स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा कहाँ पे, जैसे कि इंसर्ट पे क्लिक करना है, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है इलस्ट्रेशंस पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रीनशॉट। जब आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अवेलेबल विंडो। अगर आपके पास कुछ विंडो यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जैसे मेरे यहाँ पे एक एक्सेल वर्कबुक ओपन किया हुआ है, इसलिए वो विंडो यहाँ पे दिखा रहा है जब भी आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। सो इसलिए स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाएगा अवेलेबल विंडो कौन सा ओपन किया हुआ है। अब इसी सेम विंडो को एज ए स्क्रीनशॉट आप अपने डॉक्यूमेंट पे यूज करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देने से आपका जो स्क्रीनशॉट है वो आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, आपका कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाएगा। इसलिए पहले आप कर्सर को प्लेस कीजिए कहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके बाद आपको जाना है स्क्रीनशॉट पे और अवेलेबल विंडो पे क्लिक कर देना है। अगर सेम टू सेम स्क्रीनशॉट आपको चाहिए उसी विंडो का, तो यहाँ पे क्लिक कर देने से आप यहाँ पे देख सकते हैं वो विंडो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सेल के सिर्फ डाटाबेस को स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे लाना है एमएस वर्ड पे, तब आपको क्या करना है, तब आपको जाना है दोस्तों स्क्रीन पे, और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्क्रीन क्लिपिंग को। स्क्रीन क्लिपिंग पे आपको क्लिक करना है। जब आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एक्सेल का विंडो था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, और आपका माउस पॉइंटर जो है वो प्लस पे कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसी प्लस माउस पॉइंटर से आपको डाटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है, और जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आप फिर से वापस एमएस वर्ड में आ जाएंगे, और आप यहाँ पे देखेंगे जितना एरिया आपने सिलेक्ट किए थे वो एरिया यहाँ पे आ चुका है एज ए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एमएस वर्ड की मदद से। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे। अगर आप एमएस वर्ड यूज नहीं करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट किस तरह से लेंगे, तो जैसे कि जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो पहले आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन बटन पे आपको क्लिक करना है। जो भी विंडो ओपन होगा या जो भी फाइल ओपन हुआ रहेगा उसी का स्क्रीनशॉट हो जाएगा प्रिंट स्क्रीन अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड में। और उसके बाद में सिंपल एमएस वर्ड में या एमएस पेंट पे आप उसी स्क्रीनशॉट को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल V, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी एरिया ओपन था, मतलब जितना भी विजिबल था एरिया, वो एज ए स्क्रीनशॉट होके यहाँ पे आ चुका है। अब चलते हैं दोस्तों अगर आप यूज करना चाहते हैं स्निपिंग टूल का, तो स्निपिंग टूल की मदद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, और आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स पे। उसके बाद एक्सेसरीज पे क्लिक करना है। एक्सेसरीज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे स्निपिंग टूल यहाँ पे है। अब स्निपिंग टूल पे आपको करना है क्लिक। जब आप स्निपिंग टूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सेम प्रोसीड्योर, माउस पॉइंटर का जो कर्सर है वो प्लस सिंबल पे कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्निपिंग टूल को हैंडल करने का एक छोटा सा विंडो। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, तो स्निपिंग टूल ऑफ हो जाएगा, और अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपर्ली चूज करने का बाद फिर से वापस स्निपिंग टूल को आप एक्टिव कर सकते हैं। और उसके बाद में न्यू पे क्लिक करके आप जो भी एरिया आप चाहते हैं एज ए स्क्रीनशॉट यूज करने का वो एरिया आप ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों उस एरिया पे अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे स्निपिंग टूल में बहुत सारा पेन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, तो कोई भी पेन यूज करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, और आप उसको हाईलाइट पेन से भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाईलाइटर, मतलब हाईलाइटर की मदद से आप एज ए ट्यूटोरियल आप बना सकते हैं, मतलब कौन सा एरिया आप समझाना चाहते हैं विजुअली। तो इस तरह से स्निपिंग टूल आपको मदद करेगा स्क्रीनशॉट पे एडिट करने के लिए। मान लीजिए ये जो दो पैराग्राफ है, ये दो पैराग्राफ को हम सेक्शन वाइज डिवाइड करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिट के मदद लेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नजर आएगा स्प्लिट, और जब भी आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे माउस के साथ एक हॉरिजॉन्टल बार आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल बार को आपको प्लेस करना है जो सेक्शन आपको फिक्स्ड करके रखना है, मतलब जो आपका पहला सेक्शन है उसके नीचे। तो जैसे कि आप मान लीजिए ये जो मेरा पहला पैराग्राफ है वो यहाँ पे मेरे आंखों के सामने हरदम रहे, मतलब इसको फिक्स्ड करना है, और सेकेंड पैराग्राफ के बाद से हम यहाँ पे कंपोज करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहला वाला सेक्शन जो है वो फिक्स रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहला वाला पैराग्राफ जो है उसके बाद में
जो स्पेस रहेगा उस गैप पे आपको क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल बार को प्लेस कर देना है। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दो सेक्शन वाइज डॉक्यूमेंट जो है वो डिवाइड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड सेक्शन पे क्लिक करके आप कोई भी मैटर या कोई भी कंक्लूशन पार्ट आप टाइप करते जाइए, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो पहला वाला सेक्शन है वो मूव नहीं हो रहा है और आपका जो सेकेंड सेक्शन है वो स्क्रॉल होता जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को फिक्स्ड करके आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं और उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट कंपोज करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो स्प्लिट विंडो है उसको भी आपको हटा देना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है व्यू और यहाँ पे आप देखेंगे स्प्लिट जो है वो चेंज होके रिमूव स्प्लिट ऑप्शन पे आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। जब भी आप रिमूव स्प्लिट पे करेंगे क्लिक तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी सेक्शन डिवाइड किया हुआ नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन वाइज आप डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर सकते हैं जो कि आपको कंपोज करने में आसानी होगा। आप सेट किया हुआ मार्जिन के ऊपर में भी टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से इंसर्ट करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हम मदद लेंगे टेक्स्ट बॉक्स का और टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलेगा इंसर्ट पे। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे नजर आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज करना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो माउस पॉइंटर है वो प्लस सिंबल पे कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद में जहाँ पे भी आपको लिखना है वहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर देना है। और ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी मान लीजिए यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए थर्ड। अभी ये जो टेक्स्ट है इसका जो डायरेक्शन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स जब सिलेक्ट किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइंग टूल्स जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे नजर आएगा टेक्स्ट डायरेक्शन। दोस्तों आपको यहाँ पे 3 वेरिएंट मिलेगा, इस 3 वेरिएंट में से कोई भी वेरिएंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो भी वेरिएंट आप यहाँ पे लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो उस वेरिएंट के हिसाब से आपको यहाँ पे नजर आएगा। अगर आपको वेरिएंट चेंज करना है तो अगेन आपको टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके आप वेरिएंट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टेक्स्ट है उसको आप सेट किया हुआ मार्जिन के ऊपर में भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का जो आउटलाइन बॉर्डर है वो आप हटा देना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है फॉर्मेट अगेन। और फॉर्मेट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे शेप आउटलाइन, और शेप आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है नो आउटलाइन। जब आप नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है वो यहाँ से हट जाएगा। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं वो भी आपका मार्जिन लेवल के ऊपर। इसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसका अलाइनमेंट भी आप ठीक करें, मतलब सेंटर चाहिए या लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर और उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है होम टैब पे। और होम टैब पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अलाइनमेंट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, एक है लेफ्ट सेंटर और उसके बाद में राइट और उसके बाद में जस्टिफाई। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स को एक कलर फिल करे तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड है वो है हाउ टू राइट कॉपीराइट सिंबल। आप किस तरह से कॉपीराइट सिंबल लिख सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जैसे आपका 2007 का कॉपीराइट लिया हुआ है तो आप यहाँ पे 2007 का कॉपीराइट यहाँ पे डाल सकते हैं। 2007 लिखने के बाद आपको प्रेस करना है ऑल्ट कंट्रोल और सी। ऑल्ट कंट्रोल सी जब आप दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपीराइट सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सेकंड टिप है हाउ टू राइट रजिस्टर मार्क सिंबल। आप किस तरह से रजिस्टर मार्क सिंबल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोनी कंपनी है, सोनी कंपनी अपना जो रजिस्टर मार्क सिंबल यूज करते हैं तो सोनी लिखने के बाद आपको प्रेस करना है ऑल्ट कंट्रोल आर। और जब भी आप ऑल्ट कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रजिस्टर मार्क सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आ रहा है हाउ टू राइट ट्रेडमार्क सिंबल, सेम थिंग अगर किसी का रजिस्टर मार्क सिंबल है उसका ट्रेडमार्क भी रहेगा तो ट्रेडमार्क में सोनी कंपनी का ही ले लेता हूं, तो सोनी यहां पे लिखना है। सोनी लिखने के बाद आपको प्रेस करना है ऑल्ट कंट्रोल टी। जब आप ऑल्ट कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आप यहां पे ट्रेडमार्क सिंबल यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क सिंबल यहां पे आ जाएगा। सो दोस्तों इसके बाद देखते हैं हाउ टू राइट स्माइली सिंबल। अगर आप स्माइली फेस यूज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पे तो आप किस तरह से यूज कर पाएंगे। स्माइली फेस यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देना है कॉलन। कॉलन देने के बाद आपको देना है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो आप यहां पे देख सकते हैं हैप्पी मोड का स्माइली
आ जाएगा। और अगर आपका सेट मोड में चाहिए तो क्या देना है, कॉलोन, देन कॉलोन देने के बाद आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस दे देना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट मोड पे भी आ जाएगा। अगर आप मिस्टेकली कॉलोन देने के बाद आप डैश दे दिए, डैश देने के बाद फिर से आप ओपनिंग या क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज करते हैं तो सेम आपका फॉर्मेट आ जाएगा स्माइली फेस का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका कॉलोन डैश देन आप ओपनिंग पैरेंथेसिस या क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है दोस्तों हाउ टू राइट करंट डेट, आप किस तरह से करंट डेट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। करंट डेट के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट और शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके आपको डी प्रेस कर देना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट डेट है, जो सिस्टम का करंट डेट है वही यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसके बाद में आ रहा है हाउ टू राइट करंट टाइम, आपको प्रेस करना है ऑल्ट और शिफ्ट, इसके बाद में टी प्रेस कर देना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि करंट टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस, आप किस तरह से कोई भी टेक्स्ट या कोई भी आप नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल एच। जब आप कंट्रोल एच यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर सकते हैं, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। हाउ को व्हेन से रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे हाउ फाइंड व्हाट पे लिखना है, हाउ और रिप्लेस विद पे लिखना है व्हेन। जैसे कि आप जब भी फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे वो पहले हाउ को आइडेंटिफाई करेगा, जैसे कि मैं 8 नंबर पे था मेरा कर्सर, इसलिए पहले 8 को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में 8 को रिप्लेस करते हुए वो 1 तक जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको सिंगल 8 का जो इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है उसको सिर्फ रिप्लेस करना है तो आपको क्लिक करना होगा रिप्लेस पे। रिप्लेस पे क्लिक करने से आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सिंगल रिप्लेसमेंट हो जाएगा, हाउ जो है वो व्हेन हो जाएगा, उसके बाद में सेकेंड हाउ को वो आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर आप चाहते हैं जितना भी हाउ है सबको रिप्लेस करना है व्हेन पे, तो आपको क्या करना होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। जब आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दोगे तो आपका एक मैसेज आएगा, कॉन्फर्मेशन वर्ड हैज कम्प्लीट इट सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी सारा हाउ है सब कन्वर्ट होके यहाँ पे व्हेन हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्लोज कर देना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी टेक्स्ट है हाउ का वो एक ही साथ में रिप्लेस हो चुका है। सो दोस्तों कमांड क्या है, कंट्रोल एच, आपको क्या दबाना है कंट्रोल एच, आप जब दबाएंगे तो उससे आप फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो दोस्तों फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और भी जानना है या MS Word टॉपिक्स के ऊपर और कुछ बेहतरीन कुछ प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर लिखिएगा। अगर आप नए नए मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंप्यूटर टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स, मोबाइल टेक और बहुत सारा ऑनलाइन ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।